रहीम अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू कीमा। इसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ें ली हैं, सबसे पहले हमने डेक्ची में कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, तकरीबन हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले हैं, इसमें जीरा है हाफ टी स्पून, दो टुकड़े दालचीनी के हैं, दो सब्ज़ इलायचियाँ हैं, एक मोटी इलायची गरम मसाले वाली, और 3 से 4 लौंग हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको हम ऑयल में अच्छी तरह भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है। 3 से 4 सेकंड के लिए आपने इसको करना है। इसमें अब हम इसमें शामिल करेंगे, एक साइज है दरमियाने साइज का एक प्याज ले लिया था, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। ये आलू कीमे की रेसिपी है। मैंने हाफ के जी कीमा ले लिया था बीफ का, उसको अच्छे से धो के रख लिया। मैंने आलू भी छीन लिए, बारीक बारीक कटिंग कर ली है। ये तकरीबन हाफ के जी कीमे की रेसिपी है, बहुत ही आसान और जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। आप भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जो मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे इनको ग्राइंड कर लिए, इसका पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसका पानी को चेक कर लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर का पानी खुशक हो चुका है, हमने एक हिस्से से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम हाफ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे हम इसमें। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मसाला भून लिया हमने अच्छी तरह, हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कीमा, ये हाफ के जी कीमा लिया था हमने बीफ का, उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है, उसे कर ली है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक चौथाई चम्मच, हमने ले लिया जायफल जलबत्री का पाउडर है और ये पिपली का पाउडर है, ये संसारी की शॉप से मिल जाती है, ये शहतूत की शक्ल की होती है, इसका हमने पाउडर बना लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये गोश्त का जो बादीपन है कीमे का ये ख़त्म हो जाए। ये इसलिए शामिल किया है कि ये इसका बादीपन ख़त्म करेगा और जल्दी हज़म हो जाएगा। यहाँ पे हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ ग्लास के करीब पानी शामिल किया हमने। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं कीमा रेडी हो चुका है, गल चुका है। अब हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, ये शामिल कर देंगे, और इसमें 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली है, इसको इस तरह हमने कटिंग कर ली है। भुनाई करेंगे अब हम इसकी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है,
आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे आलू, जो कि मैंने हाफ के जी आलू ले लिए थे। इनको अच्छे से धो के बारीक बारीक काट लिया, हम इसमें शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, आलू हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, दोनों चीज़ों की, कीमे की और आलू की। अच्छे से भुनाई करनी है आपने। जी तो व्यूअर्स, ये देखें आप, आलू और कीमा अच्छी तरह हमने भून लिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, मेरे बच्चों का बहुत ही पसंदीदा सालन बन के तैयार होगा। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, तकरीबन हाफ ग्लास के करीब पानी शामिल कर दिया है ताकि इसमें हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। जी तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार सा आलू कीमा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे रोटी के साथ। अभी हम आपको डिश आउट करके इसको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा रेडी हो चुका है। इसको हम रायते के साथ सर्व करेंगे। साथ ही हमने बनाए हैं ये आलू के कबाब, बहुत ही मज़ेदार से। मेरे पास इसका मिक्सर पड़ा था, मैंने जल्दी से इसको रेडी कर लिया है। साथ हम इसके सर्व करेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।